नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों को जानते हैं। तो खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। बिहार में खाद वस्तुओं पर जीएसटी की नई दरें लागू, आटा पनीर समेत कई उत्पाद हुए महंगे। सितंबर से भागलपुर समेत 4 जिलों में 100% ऑनलाइन रजिस्ट्री, डीड राइटर की नहीं होगी जरूरत। पटना एम्स बना हॉस्पिटल इन वेटिंग, एमआरआई करानी है तो करना होगा 2 साल तक इंतजार। बिहार में पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ सड़क पर उतरे लोग, लहराए गए पीएफआई के झंडे। बिहार के युवाओं के लिए अच्छी खबर, नीतीश सरकार इंजीनियरिंग में बढ़ाने जा रही है सीटें। बिहार सरकार मजदूरों पर मेहरबान, 7 राज्यों में खुलेगा माइग्रेशन सपोर्ट सेंटर, मिलेंगी कई सुविधाएं। जीएसटी परिषद के फैसले लागू होने के बाद कई खाद वस्तुएं महंगी हो गई है। बिहार में जीएसटी की नई दरें सोमवार से लागू हो गई है। इसके पैक और लेबल वाले खाद पदार्थ जैसे आटा, पनीर और दही के दामों में बढ़ोतरी देखी गई है। इन पर अब 5% जीएसटी देकर ग्राहकों को खरीदारी करनी पड़ेगी। इतना ही नहीं, ग्राहकों को 5,000 रुपये से अधिक किराए वाले अस्पताल के कमरों में भी 5% जीएसटी का भुगतान करना होगा। इसके अलावा 1,000 रुपये प्रतिदिन से कम किराए वाले होटल के कमरों पर 12% की दर से जीएसटी लगने की बात भी कही गई है। अभी इस पर कोई कर नहीं लगता है। वहीं बिना ब्रांड वाले उत्पादों पर जीएसटी छूट जारी रहेगी। डिब्बा या पैकेट बंद और लेबल युक्त मछली, दही, पनीर, लस्सी, शहद, सूखा मखाना, सूखा सोयाबीन, मटर जैसे उत्पाद, गेहूं और अन्य अनाज तथा मुरमुरे पर 5% जीएसटी लगेगा। इसके साथ ही टेट्रा पैक और बैंक की तरफ से चेक जारी करने पर 18% और एटलस समेत नक्शे तथा चार्ट पर 12% जीएसटी लगेगा। भागलपुर, पटना, गया व मुजफ्फरपुर में 1 सितंबर से 100% प्रॉपर्टी की ऑनलाइन रजिस्ट्री करने का लक्ष्य है। इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाकर तैयार कर लिया गया है। कुछ कर्मियों की नियुक्ति होनी है, इसकी प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। भागलपुर में 100 लोगों के बैठने का वातानुकूलित वेटिंग हॉल का निर्माण हो चुका है। मे आई हेल्प यू के 4 काउंटर भी तैयार है। कंप्यूटर और टेबल कुर्सी की भी खरीद हो चुकी है। भागलपुर में संयुक्त अवर निबंधक की नियुक्ति होगी। 2 कंप्यूटर ऑपरेटर भी नियुक्त किए जाएंगे। विभाग से जिला अवर निबंधक ने मांग की है। उम्मीद है कि अगस्त में इन 3 पदाधिकारी व कर्मचारियों की नियुक्ति हो जाएगी। पटना एम्स में अगर आप बीमारी की जांच करवाने के लिए आ रहे हैं और डॉक्टर ने परामर्श पर्ची पर एमआरआई की जांच लिखी है तो आपको 1.5 से 2 साल तक का इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि एम्स में बढ़ते मरीजों के दबाव के कारण एमआरआई जांच के लिए लंबी वेटिंग चल रही है। ऐसे में अस्पताल आने वाले सैकड़ों मरीज निजी अस्पतालों व एमआरआई सेंटर में जांच के लिए मजबूर हैं। इसके लिए उन्हें मोटी रकम चुकानी पड़ रही है। कमोबेश यही स्थिति अल्ट्रासाउंड, एक्सरे व सीटी स्कैन की भी है। एम्स में 2500 से लेकर 5,000 रुपये तक में एमआरआई जांच हो जाती है। यहां शरीर के अलग अलग पार्ट की एमआरआई जांच के लिए अलग अलग रेट तय है। बाहर जांच करवाने पर 6 से 10,000 रुपये तक मरीजों को देने पड़ रहे हैं। वर्तमान में एम्स में सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक 20 से 25 मरीजों की एमआरआई जांच की जा रही है। एक एमआरआई के लिए लगभग 40 मिनट से 1 घंटे तक का समय लग रहा है, जबकि रोजाना सैकड़ों मरीज एम्स ओपीडी में जांच करवाने के लिए आते हैं। राजधानी पटना के फुलवारी शरीफ में बीते दिनों पीएफआई के आतंकी मॉड्यूल के खुलासे के बाद से पुलिस लगातार पीएफआई के नेटवर्क को खंगालने में जुटी है। पुलिस ने इस मामले में 26 लोगों के खिलाफ केस दर्ज भी किया है। इस मामले में पुलिस ने अब तक 6 संदिग्धों को गिरफ्तार कर चुकी है और बाकी बचे 20 लोगों की गिरफ्तारी के लिए राज्य के अलग अलग जिलों में छापेमारी कर रही है। पुलिस की इस कार्रवाई के खिलाफ रविवार को संगठन के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और पीएफआई के झंडे लहराए। प्रदर्शनकारी पीएफआई के सदस्यों का कहना था कि पुलिस उन्हें झूठे मामले में फंसाकर उनके संगठन को बदनाम करने की कोशिश कर रही है, उनका इन सब से कोई लेना देना नहीं है। इस दौरान पीएफआई के लोगों ने पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और मुस्लिम समुदाय के लोगों को झूठे केस में फंसाने का काम बंद करे। पीएफआई के प्रदेश अध्यक्ष महबूब आलम का आरोप है कि पुलिस ने बेवजह अतहर प्रवेश और मोहम्मद जलालुद्दीन को गिरफ्तार किया है। दोनों पीएफआई के सदस्य नहीं हैं, बल्कि एसडीपीआई के सदस्य हैं। उन्होंने कहा कि पीएफआई के खिलाफ जो भी आरोप लगाए गए हैं वह एक राजनीतिक साजिश है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पटना दौरे से पहले पुलिस ने फुलवारी शरीफ से 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया था। पुलिस के मुताबिक पीएफआई और एसडीपीआई के द्वारा युवाओं को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। इस मामले में पुलिस ने 26 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। फिलहाल संगठन से जुड़े 6 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि 20 अन्य लोगों की तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। इसी का विरोध जताते हुए दरभंगा में संगठन के सदस्यों ने सड़क पर उतरकर विरोध जताया है।
बिहार के युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है। नीतीश सरकार ने राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेजों में सीट बढ़ाने का फैसला किया है। बिहार में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वालों के लिए ये किसी तोहफे से कम नहीं है। इंजीनियरिंग में युवाओं की बढ़ती दिलचस्पी को देखते हुए सरकार ने सभी 38 राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजों में 10-12% सीटें बढ़ाने की तैयारी कर रही है। इन सीटों पर कुछ नए सब्जेक्ट को भी शामिल किया जाएगा। कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे इस पर एकेडमिक कमेटी जल्द फैसला लेगी। बिहार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के मुताबिक अगले साल से इंजीनियरिंग की सीटों में बढ़ोतरी का प्रस्ताव है। मौजूदा समय में राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजों में सीटों की संख्या 9,150 है। इसी तरह कुछ चुनिंदा पॉलिटेक्निक संस्थानों में भी सीटों की संख्या बढ़ाई जा रही है। जैसे फूड प्रोसेसिंग विषय में 60 सीटें बढ़ाने की स्वीकृति मिल चुकी है। फिलहाल 44 सरकारी पॉलिटेक्निक संस्थानों में सीटों की कुल संख्या 11,200 है। बिहार से रोजगार की तलाश में अलग अलग राज्यों में जाने वाले मजदूरों के लिए अच्छी खबर है। बिहार सरकार पलायन करने वाले लोगों के लिए माइग्रेशन सपोर्ट सेंटर खोलेगी। यह सेंटर 7 राज्यों में खोली जाएगी, जिसका निर्माण कार्य पूरा करने के लिए अगले 6 माह का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना को लेकर श्रम संसाधन विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है। साथ ही विभिन्न राज्यों के श्रम विभाग को भी इस दिशा में काम शुरू करने को कहा गया है। जानकारी के मुताबिक श्रम संसाधन विभाग ने निर्णय लिया है कि जिस राज्य के शहरों में मजदूरों की संख्या अधिक होगी, वहां पर माइग्रेशन सपोर्ट सेंटर खोला जाएगा, ताकि वहां रहने वाले मजदूरों को रहन सहन में होने वाली समस्या का समाधान किया जा सके। माइग्रेशन सपोर्ट सेंटर खुलने के बाद श्रम संसाधन विभाग के अधिकारी वहां के अधिकारी के साथ समन्वय स्थापित कर संबंधित राज्य के वैसे सुविधाओं को भी मजदूरों को दिलाएगी जो किसी भी राज्य के मजदूरों को मिल सकती है। माइग्रेशन सपोर्ट सेंटर खोलने के लिए श्रम विभाग पहले एनजीओ या इंडस्ट्री को पार्टनर बनाएगी, ताकि इसे शुरू करने में विभागीय अधिकारियों की बस निगरानी रहे एवं वहां इस एनजीओ या इंडस्ट्री पार्टनर के साथ एमओयू हो। बिहार के सबसे बड़े स्टेशन पटना जंक्शन पर अब मिलेगी एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं। पटना जंक्शन पर इसी महीने से एग्जीक्यूटिव लाउंज शुरू होगा। उद्घाटन के बाद पटना से सफर करने वाले यात्रियों को भी बेहतर सुविधाएं मिलने लगेंगी। कुछ हिस्से में लाउंज बनकर पूरी तरह तैयार है, इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। दानापुर रेल मंडल के एक वरीय अधिकारी ने बताया कि रेलवे बोर्ड के वरीय अधिकारी से उद्घाटन के लिए समय मांगा गया है। समय मिलते ही एग्जीक्यूटिव लाउंज का उद्घाटन होगा। अधिकारियों की माने तो इस महीने हर हाल में इसकी शुरुआत हो जाए। एग्जीक्यूटिव लाउंज बनाने का मकसद जंक्शन पर यात्रियों को बेहतर सुविधा देना है। इस कड़ी में बेहतर सुविधा के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। पटना जंक्शन पर अब यात्रियों को रेल का इंतजार करना पहले जितना बोरिंग नहीं होगा। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन ने देश के बड़े रेलवे स्टेशनों पर एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं वाला लाउंज बनाने की कड़ी में इसका निर्माण कराया है। बिहार में डीएलएड के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि को बढ़ा दी गई है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के द्वारा कराई जाने वाली इस परीक्षा के लिए इच्छुक अभ्यर्थी अब 22 जुलाई 2022 तक secondary.biharboardonline.com पर आवेदन कर सकते हैं। वहीं शुल्क जमा करने की आखिरी तिथि 24 जुलाई होगी। बिहार डीएलएड में नामांकन के लिए 27 जून को फॉर्म आया था, जिसे भरने की आखिरी तारीख 17 जुलाई थी, जिसे अब बढ़ाकर 22 जुलाई कर दिया गया है। वहीं इस परीक्षा के लिए डमी एडमिट कार्ड 25 जुलाई को जारी किया जाएगा और एडमिट कार्ड में संशोधन के लिए 28 जुलाई तक का वक्त होगा। वहीं इसकी परीक्षा अगस्त महीने में प्रस्तावित है, परंतु अभी तक परीक्षा तिथि का ऐलान नहीं किया गया है। देश की आज़ादी के 75 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में देश भर में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इस कड़ी में इस साल के स्वतंत्रता दिवस यानी कि 15 अगस्त को ऐतिहासिक बनाने के लिए राज्य सरकार ने 8 से 15 अगस्त तक सुबह में हर घर झंडा का कार्यक्रम चलाने का निर्णय लिया है। इस दौरान न सिर्फ सभी सरकारी भवनों पर तिरंगा फहरेगा, बल्कि गांव-गांव में हर घर में झंडोत्तोलन किया जाएगा। इसको लेकर कला संस्कृति एवं युवा विभाग को नोडल बनाते हुए राज्य सरकार के सभी विभागों को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है। सभी सरकारी विभागों में वितरण के लिए सहकारिता विभाग के बुनकर और जीविका दीदियां झंडा तैयार करेंगी। इसके लिए सहकारिता विभाग के बुनकरों को 8,000 और जीविका दीदियों को 12,000 झंडों के निर्माण का टास्क मिला है।
अक्टूबर से पटना के गंगा नदी में क्रूज और फ्लोटिंग रेस्तरां का फिर से लोग आनंद उठा सकेंगे। इस क्रूज की मरम्मत का काम दोबारा शुरू किया गया है। बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा गांधी घाट पटना में जल पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2009 में MV गंगा विहार फ्लोटिंग रेस्तरां शुरू किया गया था, लेकिन इसमें तकनीकी खराबी आने से सुरक्षा दृष्टिकोण से 2017 से यह बंद है। बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट के प्रबंध निदेशक कंबल तनुज ने कहा कि इसके मरम्मत का काम दोबारा से शुरू किया गया है और अक्टूबर से इसे दोबारा लोगों के लिए शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस निविदा को सफल बनाने में देश के सभी तटीय शहरों और तटीय राज्यों के सभी प्रमुख शहरों में व्यापक प्रचार प्रसार कराया गया था, जिसमें संध्या सम्राट कंस्ट्रक्शन एंड सर्विस प्राइवेट लिमिटेड पटना का चयन किया गया है। चयनित एजेंसी को PPP मोड के तहत 15 वर्षों के लिए लीज पर संचालन के लिए दिया गया है। पटना जू में आने वाले विजिटर्स को यहां के वन्य प्राणियों और पेड़ों की जानकारी अब स्मार्टफोन से भी मिल सकेगी। जू प्रशासन की ओर से वन्य प्राणियों को बाड़ी और महत्वपूर्ण पेड़ों पर बारकोड लगाए जाएंगे। यहां आने वाले दर्शक उस कोड को अपने मोबाइल में स्कैन कर वन्य प्राणी और पेड़ों की पूरी जानकारी ले सकेंगे। पटना जू में पहली बार यह सुविधा विजिटर्स के लिए बहाल की जा रही है।